नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा DLF का जो स्टॉक है, ये जो रैली चल रही है नॉनस्टॉप जो चल रही है, ये और कितना भागेगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। और समझाने की कोशिश करूंगा क्या आपको इस रैली में यहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए या फिर आपका जो प्रॉफिट बन रहा है आपको यहाँ पर क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक नॉलेज यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ आपकी रणनीति होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले सर छोटा सा एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टॉक रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आपको भी पता चले कब एंट्री और कब एग्जिट करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर कितना भागेगा DLF का स्टॉक, कितना भागेगा और रियल एस्टेट के लिए बजट कैसा रहेगा, ये सबके मन में अभी सवाल है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखें, 6 महीनों से अगर आप देखें DLF के अंदर जो गिरावट मार्च 2020 में हुई थी, उसके बाद अगर आप देखें 6 महीने के अंदर अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। तो यहाँ पर डबल होने का मतलब सर देखें तो लगभग 99% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर 6 महीने में स्टॉक ने बनाकर दे दिया है। और यहाँ से क्या भाग सकता है, तो सर देखिए साइकोलॉजिकल एक लेवल होता है जो किसी जो अगर आप देखिए हर इन्वेस्टर या ट्रेडर के मन में माइंडसेट ये बैठा रहता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल को ये स्टॉक पार करेगा। अगर आप देखिए तो जब स्टॉक 200 के लपेट में था तब स्टॉक 200 का जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है उसको उसका जो अगर आप देखिए ऑर्बिट, उस ऑर्बिट को उस ऑर्बिट से निकलने के लिए स्टॉक को बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। और अभी की बात करें तो स्टॉक अगर आप देखें वो जो 200 250 का जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से बाहर निकलकर वो 300 के ऑर्बिट की ओर ये जा रहा है और स्टॉक यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको 300 तक जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन सर यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको देखनी भी चाहिए। अगर आप यहाँ पर 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर अगर आप डेली मूविंग एवरेज RSI के यहाँ पर स्थिति देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खरीदारी करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं बस आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए। अगर स्टॉक नीचे जाता है तो सर देखिए साइकोलॉजिकल लेवल जैसा कि मैं आपको बात कर रहा था कि 300 तक तो स्टॉक जाएगा जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए 300 तक जाने के लिए हो सकता है स्टॉक को 3 ट्रेडिंग सेशन, 4 ट्रेडिंग सेशन, 10 ट्रेडिंग सेशन या हो सकता है 50 ट्रेडिंग सेशन भी लग जाए, लेकिन स्टॉक 300 तो जाएगा, ठीक है, ऐसा आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन सर उससे पहले जो गिरावट आएगी उस गिरावट का अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी वॉच एंड वेट की सिचुएशन ही रखना चाहिए, देखते रहना चाहिए और वेट करना होगा। अगर स्टॉक यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी करेक्शन दिखाता है तो आपको एंट्री करना शुरू करना चाहिए, मतलब यहाँ पर आपको SIP मोड में थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना चाहिए। देखिए हम अमूमन अगर आप देखें कि यहाँ पर जो ब्रोकरेज फर्म का जो कहना है, अगर आप देखिए टॉप रियल स्टॉक टू बाय जेफरीज बुलिस ऑन रियलिटी सेक्टर DLF गोदरेज प्रॉपर्टीज अदर में रैली अप टू 25%, ये न्यूज सर देखिए जनवरी 2021 का ये न्यूज है और 12 तारीख को न्यूज आई थी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ऊपर, ये न्यूज यहाँ पर आर्टिकल आपको फ्लैश होता हुआ दिखेगा। और जाफरीज जो बहुत बड़ा एक ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि हम बुलिस हैं भाई रियलिटी सेक्टर के ऊपर, और रियलिटी सेक्टर की बात करें तो DLF बहुत बड़ा एक क्लियर है, तो यहाँ पर तो वो बुलिस है, मतलब यहाँ पर आप ये मानकर चल सकते हैं कि 300 जाएगा। लेकिन सर 300 जाएगा ये आपको माइंड में बिठा लेना है, लेकिन उससे पहले हो सकता है स्टॉक 250 भी दिखा दे, स्टॉक 220 भी दिखा दे, आपको देखना क्या है, आपको 300 देखना है। तो 300 अगर देखना है तो गिरावट में आपको एंट्री करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि रिस्क नहीं लेना तो आप इस सेक्टर को छोड़ भी सकते हैं, और भी FMCG सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, आप वहां पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो आप इस सेक्टर को अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो यह सेक्टर आपको मालामाल कर सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं सर। ऐसा अगर आप देखिए ब्रोकरेज फर्म भी यही कह रहे हैं कि हम तो बुलिश है, तो यहां पर सर 300 का लेवल तो बहुत जल्द आएगा, उससे ऊपर भी स्टॉक जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात यहां पर थोड़ा सा कर ही लेता हूं कि शॉर्ट टर्म में ही 300 आ सकता है, उससे ऊपर कहां तक क्या स्टॉक जा सकता है सर ये तो भगवान को पता है सर, मुझको नहीं पता कि ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि 6 महीने में स्टॉक डबल करके दिखा देगा, मतलब किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सर यहां पर देखिए स्टॉक कब कैसा क्या, मतलब कौन सा स्टॉक कब कितना भाग जाए सर कोई नहीं बोल सकता। आपको बस ये ख्याल रखना होगा कि आपने जो स्टॉक लिया उसकी क्वालिटी भाई खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लेंगे तो वो आपको धोखा नहीं देगा, बर्बाद नहीं करेगा, आपको अमीर और मालामाल ही करता जाएगा साल दर साल। तो सर DLF की बात करें तो DLF के क्वालिटी के ऊपर कोई
कोई दिक्कत मुझको नजर नहीं आ रही है। बाकी सर स्टॉक बहुत दिनों से चला नहीं है सर, तो ये स्टॉक तो चल सकता है। स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है लंबे अवधि के निवेश के लिए, अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते तो सर डेफिनेटली आप इस स्टॉक में निवेश बरकरार रखिए। ये स्टॉक आपको धोखा नहीं देगा, आपको अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा कर देगा, लेकिन हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ या कह लीजिए थोड़ा सा मायूसी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। यहाँ पर ज्यादा चांस नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको मायूसी देखने को मिलेगी, लेकिन सर मार्केट है यहाँ पर देखिए सर, अगर आप आज की बात करें तो 13 जनवरी की बात करें तो सुबह अगर आप देखिए मार्केट तो ऊपर खुला, लेकिन दोपहर तक मार्केट अचानक से धड़ाम से ऐसे गिर गया कि किसी को नहीं पता कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो सर देखे तो मार्केट में भी क्या से कब क्या हो जाएगा देखते देखते किसी को नहीं पता। तो अगर आप मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यहां पर आप अपने दिल को समझा दीजिए कि दिमाग को ज्यादा परेशान ना करे, दिमाग ने जो सोच लिया है उसके ऊपर डटा रहे, क्योंकि दिमाग आपका, अगर आपका पैसा है ना तो आपका दिमाग कभी भी आपको यह नहीं कहेगा कि आप मेरा पैसा खत्म हो जाए, मेरा पैसा बर्बाद हो जाए, मेरा पैसा डूब जाए। तो सर यही रणनीति अपनाइए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, जब अच्छा प्रॉफिट बन रहा है तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक भी करते जाइए, यही मेरी रणनीति है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एंट्री करने के लिए थोड़ा वेट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि वेट नहीं करना। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सर आपको वेट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ देखिए सर, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप वेट कीजिए, स्टॉक अगर नहीं भाग गया, स्टॉक अगर नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ पर आपको ये रणनीति अपनानी चाहिए कि आप कितने दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूंगा कि RSI की स्थिति अगर आप देखें तो वो आपको अभी ओवरवॉट सिचुएशन का यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी ओवरवॉट स्टॉक हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लंबे अवधि के लिए निवेश करना तो ये भाव कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, लंबे अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है, लेकिन मोड होना चाहिए SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यही मेरी रणनीति है, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक या डिसलाइक दोनों में से कोई एक जरूर से ठोकिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए वेट कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू और जय हिंद।